सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हिमायत क्रिश व्लॉग में है आपका स्वागत। दिन की शुरुआत हो रही है, मतलब दिन ही हो गया है, मॉर्निंग तो बोल नहीं सकते। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। दो कल मेरा व्लॉग, दो दिन मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि जो मेरे साथ व्लॉग में आती है पल्लवी, उसके पापा की डेथ हो गई थी, मतलब हो गई है 24 अगस्त को उसके पापा की डेथ हो गई थी। इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं दो दिन उनके उन्हीं के घर पे थी और अच्छा नहीं लगता आप ऐसी जगह जाके किसी का कोई व्लॉग शूट करो या कुछ भी है, तो मैंने वहाँ जाके व्लॉग शूट नहीं करा और बहुत ही गलत चीज़ हो गई है ये। उसके पापा को काफ़ी टाइम से कैंसर था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, मतलब सेप्टेम्बर में उन्हें 1 साल हो जाता है, बहुत मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहे थे और उसकी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ में, पर जो भगवान की मर्जी होती है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो मैंने दो दिन व्लॉग नहीं बनाए और मैं कल परसों भी वहीं थी, हॉस्पिटल थी और फिर मैं शाम को घर आई थी। कल भी मैं शाम को ही घर आई हूँ 3-4 बजे। तो आज मेरी काम वाली भी नहीं आ रही, उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसे बुखार आ रहा है और गोसाई जी को भी बुखार आ रहा है। गोसाई जी भी सुबह ऑफिस चले गए, बोला कि मैं हाफ डे में आ जाऊँगा, पर अभी मैंने फ़ोन करा तो वो कहते हैं मैं बताऊँगा। और खाना भी लेके नहीं गए हैं क्योंकि मुझे बोला कि हाफ डे आऊँगा तो खाना वहीं जाके खाऊँगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि गोसाई जी मुझे बता दे तो मैं खाना बनाना शुरू करूँ और पूरे घर का काम मुझे ही करना है। मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है सर में, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर आ रहा होगा। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, किचन साफ़ करनी है, मुझे अपना फ्रिज भी साफ़ करना है क्योंकि काम वाली फ्रिज तो साफ़ करती है पर पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आता, मुझे अपने आप से साफ़ करना है क्योंकि राखी भी आ रही है और मेरी नंद भी आएंगी, तो फिर पहले से ही सब कुछ करना ठीक है। घर की सफाई भी करना क्योंकि सोफे वगैरह के कवर तो मैंने धो दिए थे, अब पर्दे बचे हैं तो पर्दे भी मैं उतरवा के कल पर्दे धो दूँगी। तो चलिए गाइस, जाती हूँ किचन में जो सफाई करनी है, देखती हूँ। आज मैंने सुबह नाश्ते में सैंडविच बनाए थे, जो नॉर्मल सैंडविच होते हैं जो दही और क्रीम वगैरह डाल के बनाते हैं, मेयोनीज वाले वेजिटेबल्स वाले सैंडविच बनाए थे। तो गोसाई जी वही थोड़ा सैंडविच और चाय पी के गए हैं, बोल तो रहे मैं आ जाऊँगा, अब देखते हैं आते नहीं आते। डुगा भी बेचारी 2 दिन तक अकेली थी घर पर, फैला हुआ है मेरा। अरे अभी भी मन नहीं है कि मैं कोई काम कर लूं और एक काम वाली नहीं आई तो बहुत ज़्यादा और दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि अगर आपको एक दिन पहले पता होगा काम वाली नहीं आ रही तो आधा काम आप पहले ही करके निपटा लो। अब मैंने सोचा कि वो आएंगी तो मैंने कुछ ढंग से किया नहीं। चलो शुरुआत करते हैं काम की किचन से। पहले मैं सोच रही बर्तन धो दूँ, उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। तो चलिए गाइस मिलते, किचन की यही हालत हुई हुई है तो अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस काम की शुरुआत करते हैं किचन से, चलिए। तो गाइस सारा घर का काम करने के बाद नहा लिया है मैंने और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है, इतने बजे नहाया है। नहा तो खैर सुबह ही लेती हूँ मैं, पर अभी मैंने शाम को इसलिए नहा लिया दोबारा क्योंकि मैंने काम करके पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी गीली हो गई थी। तो किचन भी ऑलमोस्ट पूरी साफ हो गई है मेरी, देखो बैक कैमरे से देखो, किचन पूरी साफ कर दिया मैंने, काम ख़त्म हो गया है। और मैंने यहाँ भिगाए हैं राजमा और लोबिया, आज मैं बनाऊंगी राजमा को लोबिया मिक्स। तो अभी मैंने अपने लिए मंगाया है कुछ क्योंकि 4 बजे तो मैं खाना बना के खाऊंगी नहीं, तो मैंने अपने लिए मंगाया है कुछ, दिखाती हूँ आप लोगों को जब मैं खाऊंगी। मेरा जूस का ग्लास जो मैंने मंगाया है वो मैं आराम से बैठ के खाऊंगी अब चैन से क्योंकि मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है। चलिए गाइस, मैंने ना कुछ ये मंगाया था अपने लिए, मतलब मुझे ना बहुत मन कर रहा था कि कोई अच्छी सी फ्रेगनेंस हो जिसे मैं, मतलब अच्छी सी फ्रेगनेंस आए, तो मैंने ये मंगाया था। ये है फूल, उस पर लिखा हुआ है फूल करके, इसमें बहुत सारी अगरबत्तियाँ मिली हैं मुझे और ये है इसमें इसको लगाते हैं, बहुत अच्छी। कल रात मुझे बहुत रिलैक्स वाली नींद आई क्योंकि मैंने
मेरा इंतजार करी बैठी ऐसे देखना पूरा पैर फैला के लोलू पोलू। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हिमाग्रीज ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ दुग दुगी। आओ मैडम, उसे वो खाना है जो मैंने मंगाया है, गोली वड़ा पाव। उसके साथ मिला है मुझे ये लहसुन की चटनी और ये मिर्ची। मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। और ये लगा है मेरा जूस पीसे, क्योंकि यार इतना काम करा, सफाई करी, मैंने थोड़ा डीप क्लीनिंग करी आज, क्योंकि राखी भी आने वाली है और कल मैं पर्दे वर्दे भी धोऊंगी, तो मैंने सोचा किचन विचन थोड़ा साफ कर लिया जाए। ठीक है, जल्दी मिलते खाने के बाद। तो गाइस, ये है शाम का समय और गुसाई जी आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि ये मेरी राजमा है ये पूरी भीग चुकी है, तो इसे भी उबालने रख देती हूँ। रा दिया है राजमा और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और ये रही गर्मा गर्म चाय। चलिए चलते हैं। ये क्या करा तुमने उसको? दिख, ये क्यों डर रही होगी? डर नहीं रही हो, बहुत देर से क्लचर का इंतजार। ये आ गए गोसाई जी, ये आ गए गोसाई जी। गोसाई जी आपको फीवर हो रहा है तो बोलो, गढ़वाली में गाइस मुझे फीवर हो रहा है। ये इसको देखो, दोस्तों में थे बुखार आ रहा है। हैं दोस्तों में थे बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है किले ही तुम्हारी ऐसी बोलते हो ना। ये तू गए, ओए मम्मा का कलेजा गिरने लगा है। तो गर्मा गर्म चाय लो जी, तो सी चाय पी लो। कूदेगी एसी की बंद कर दिया। अरे ठीक है यार, एसी में ठंड लगेगी। ये चाय बन के आ गई है, वहाँ कुछ लिफाफे में दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक आप गुड। ये समोसा, मैंने वड़ा पाव भी खाया, आप बोलोगे भी थोड़ी देर पहले वड़ा पाव खाया था, आप समोसा खा रही है। तो ये है हमारी सैटरडे नाइट, तो हम ये ऐसे ही बिताते हैं। नो मोर टेंशन, ओनली ओनली इटिंग है, ओनली ईट, नो मोर टेंशन। तो पहले मैं पैटीज खाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी समोसा। तो गाइस मिलते हैं खाने के बाद। ये मेरी चाय है, आओ गाइस चाय पी। गाइस आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ दुर्गा और मैं आपसे ये बोला हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइज, बोल दो गोसाई जी बाय। ओ गोसाई जी को आज बुखार हो रहा है, दुग्गी को भी बुखार हो गया, सोने का देखो कैसे बैठी है। बाय बोलो पोलो मम्मा का।
मम्मा की दुग दुगी है ये, पारी की दुग दुगी है मी, मेरा चुक चुक बच्चा है ये, भाग जाता है ये, भाग कैमरा देख के देखो भाग रही है। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले व्लॉग को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और व्लॉग को लास्ट तक देखें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो भी प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, बाय बाय।